मेरे अस जुर्म तो कैद किया सर, मैं जा रहा सा रास्ते सलाम नगर चौंक च, एक बच्ची बड़ी रो रही सी सर, मेरी बात सुने, मैं उठा के लेके गया हूँ ठीक है। महल्लेदारों ने मुझे वो सर मुझे खिलाफ कर रहे हैं, वो दोस्त मेरे खिलाफ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तलहा नवीद और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। बहसियत सहाफ़ी मैं बहुत से दिल खराश वाकियात देखता हूँ, जहाँ पर हमारी दीवारों को खून आलूदा कर दिया जाता है, जुल्म ढाए जाते हैं गरीबों पर। अमीर तबका अगर जुल्म करता भी है या ताकतवर तबका अगर जुल्म करता भी है, उसके बावजूद भी वो आज़ाद घूमता है। हमारी अदालतें, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे उन लोगों को इंसाफ फराहम नहीं करते। इसी तरह के कई वाकयात, कभी बच्चियों को रेप किया जाते हैं, लोग अपनी हवस पूरी करते हैं। एक 5 साल की मासूम बच्ची जो कि फिरोज वाला की रिहायशी है, उसे जानवर एक दरिंदा नुमा शख्स उठाकर ले जाता है और उसको जगह जगह हाथ फेर कर अपनी हवस पूरी कर दोबारा उसके घर छोड़ देता है। फिरोज वाला के इलाके में ये वाकया पेश आया, मुजरिम थाने में कैद है। मजीद जो हकायक है मुजरिम से जानते हैं, आए किन आए तेरा? मेरा नाम मोहम्मद इजाज है। इजाज है, किरे जुर्म तो तेन कैद किए थे? मेरे अस जुर्म तो कैद किया सर, मैं जा रहा सा घर के काम जा रहा सा बाजार ठीक है, रास्ते सलाम नगर चौंक च एक बच्ची बड़ी रो रही थी, वह बहुत बैरा हाल से, मैं उन्होंने चुकया उतो चौके, उन्होंने मैं लैके आया बुद्ध बाजार, बुद्ध बाजार लैके आया, उत्थे छड़े तो अपने घर चले गए, घर चला गया मैं 2-3 दिन बाद, मेरे घर रेट लैके आए ने, रेट लिया के उन्होंने मैंने चुकया तो लिया के इतने सुटता। अच्छा, दिमाग पागल थी कार वाले का? कहानी ना सुना मैनू, सच दस बच्ची लैके कितने गया तू? सर मैं नहीं, उन्होंने लैके गया, मैं सलाम नगर चौंक चो फड़ी है बच्ची ठीक है, बच्ची मैं फड़ के तो उन्होंने कहते हैं बुद्ध बाजार, महल्लेदारा ने मैंने क्या छड़े इनू ठीक है, घर तो छड़ के आ हवाले कर गया मेरे महल्लेदार ने भी, महल दें मैं अच्छी एक महल दें मैंने छड़ के आया सर, सिर्फ और कोई कहानी खानी नहीं, झूठ बोल रहा नहीं, मैं झूठ बोलन नहीं, इतों मर्जी पता करवा लो जिवें मर्जी। अच्छा, कुड़ी के तू जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की बच्ची ने? नहीं सर, बच्ची झूठ बोलती पई है नहीं जी। सर जी वो मैं छड़ के आया ना चौके, तेनों मैं कहना पा 5 साल की बच्ची झूठ बोलती पई है? सर मैं सिर्फ छड़ के आया बस, मैं तुम्हें जी गल दसनी है, मैं शादीशुदा है? नहीं सर। व्याह नहीं होया, करना की है? मजदूरी करना सर। कैसी मजदूरी करना है? मिस्त्रियों के पीछे सर। मिस्त्रियों के पीछे लगना है तो हूँ कुड़ियों के पीछे लग गए? नहीं सर, मेरिया अपन भैन ने सर, 2-3 मेरिया भैन ने, मेरे घरों तुम गवाही लै सकते हो, मैं जो बंदा नहीं, महल्लेदार मेरे खिलाफ तेने क्यों, बंदा शराब पीता, नशा करता, नशेई है, तो मैं सब महल से लड़ता, लड़ाइया झगड़े कर। शराब पीते हो ना तुम? हाँ जी, कभी कभी पीता था। कभी कभी तो तुम तब नशे में हो गए, तुम्हें क्या पता तुमने क्या कारनामा सारा अंजाम दे दिया? नहीं सर, तब मैं तुम्हें कहा है बकवास नहीं, झूठ नहीं, झूठ नहीं, फजूल काम नहीं करने, फजूल काम नहीं, ठीक है ना, सीधी तरह बकवास करनी है, जो किया ना तू काम, बच्ची ने तू जबरदस्ती करने की कोशिश की है, पूरे महल्लेदार ने गवाही दी है। सर मैं नशे के बच्चे नहीं सा, मैं न्यूट्रल सा, बिल्कुल कोई नशा नुशा नहीं किया, बहुत दिन से क्या पता नहीं, दिन नहीं मैंने याद है, मैं छड़ के आया, महल्लेदार गवाह ने, महल्लेदार इस चीज़ की गवाही देंगे कि यह जरा बच्चा सिर्फ बच्ची छड़ के आया, और 1-2 दिन बाद मैंने मुलाजमा ने जरा तुम्हारे अपने दोस्तों ने गवाही दी है, जो तुम्हारे दोस्त हैं उन्होंने कहा ये वैसे भी जना करता है? नहीं सर, वो मेरे दोस्त नहीं, वो महल्लेदार है मेरे खिलाफ। नहीं नहीं, कितनी बार जना किया इस तो पहले सही दसी किसी के साथ? तू 2 नंबर कुड़ियों को भी जानता रहा, मैंने भी पता लग गया। किसी के पास नहीं गया सर, किसी के पास नहीं मैं गया ना, मैं जाता रहा, मेरे पास इतना है होता ही नहीं वक्त, मैं मजदूरी करता हूँ, सुबह को जाता हूँ शाम को आता हूँ। आप किसी से भी शराब तुम पीते हो? वो भी ठीक है, चर्स तुम पीते हो? सिर्फ चर्स पीते, पाउडर तुम पीते हो, हर किस्म का तुम नशा करते हो, हर किस्म का तुम नशा करते हो, और आप ऊपर से बकवास कर रहे हो मासूम बनने का नाटक कर रहे हो जैसे तुमने कुछ किया नहीं है। सर मासूम बनने का नाटक नहीं मैं कर रहा, मैं कोई नशा नहीं करता, छोड़ दिया सारे नशे ठीक है, सिर्फ चर्स पीता हूँ और सिगरेट पीता हूँ, नशा जरूर करता हूँ, मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल रहा, नशा करता हूँ लेकिन मैंने अब छोड़ दिया। 5 साल की बच्ची झूठ नहीं बोल सकती, पूरे मोहल्लेदार झूठ नहीं बोल सकते, जिन लोगों ने तुम्हें लेके जाते देखा वो झूठ नहीं बोल सकते। मैं तुमने हाथ वगैरह लगाए बच्ची को ठीक है ना, गलत जगह पर हाथ लगाए? सर मेरी बात सुने, मैं उठा के लेके गया हूँ ठीक है, महल्लेदारों ने मुझे, तुमने क्यों उठाया, तुमने क्यों उठाया, कोई और भी था? हाँ जी जी, कोई और लेके चल जाता, तुम्हारी नियत ही गलत थी। नहीं सर, उन्होंने खुद कह ले जाए। किस महल्लेदार ने तुम्हें कहा था? वो भी अब तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं? सर ये मेरे खिलाफ जो गवाही दे रहे हैं ना, इन्होंने नहीं मुझे कहा, मैंने सलाम नगर चौंक से लिया बच्ची को, सलाम नगर चौंक से लेके बुद्ध बाजार। इस्लाम नगर बच्ची क्या करने चली गई थी? सर ये नहीं मुझे पता किसके साथ, सारे मामला तुमने खुद किया, तुम खुद लेके गए थे वहाँ पे?
नहीं सर, आप पूछ सकते हैं, मैं घर में था। तुम सारा कुछ तुमने खुद किया, तुमने खुद सारी ये गेम करी है सर, और ऊपर से अब तुम जो प्लानिंग कर रहे हो कि तुम यहाँ से बच जाओगे, तुमने बचना नहीं है। नहीं सर, मैंने कोई किसी किस्म की बगैरती नहीं की, लिहाजा आप पता करवा। तुम्हारे जैसे बंदे को ना चोंग में खड़ा करके मार देना चाहिए। सर आप किसी से भी पूछ सकते। तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं कि तुम जनाखोर हो, तुम लड़कियों को 500-1000 रुपये लाते हो। वो सर मुझे खिलाफ कर रहे हैं, वो दोस्त मेरे खिलाफ हैं, ठीक है। तुम्हारे अब दोस्त भी तुम्हारे खिलाफ हो गए। वो मेरे खिलाफ इसीलिए है ना, वो मुझे अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं तो तुम अच्छे हो ही नहीं। तुम्हें किसने कहा तुम अच्छे हो? शराब तुम पीते हो? नहीं सर, छोड़ दी हुई है। अभी तुमने खुद कहा मैं पीता हूँ, अभी तुमने छोड़ दी है? कितने दिन हो गए छोड़ी है? कम से कम काफी देर हो गई, इधर आने से पहले की कोई 2 घंटे हो गए होंगे, 3 घंटे हो गए होंगे। कितने देर हो गए यहाँ पे आए? इधर आए तकरीबन 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए, इन 3-4 दिन से तुमने शराब छोड़ दिया, तुम्हें अंदर मिलनी ना रही 3-4। अब तुम्हें जेल में बंद करें, मैं SHO साहब को कहता हूँ या SP साहब को कहता हूँ कि इसके लिए शराब का बंदोबस्त करें ताकि इसकी शराब ना छूटे। नहीं सर, मैंने छोड़ दी हुई, नमाज पढ़ता हूँ 5 वक्त, इधर किसी से भी पूछ सकते हैं अल्लाह तो बाकी। लड़कों लड़कों को भी हाथ फेरते हो इसके अलावा? नशे से मैंने अल्लाह। लड़कों को भी हाथ फेरते हो? नहीं सर। बहनें कितनी हैं तुम्हारी? बहनें 3 हैं। तुम्हारी बहनें हैं? हाँ जी, 3 बहनें हैं। कितने साल की हैं? 2 छोटी हैं 1 बड़ी है। एक दो छोटी हैं, एक बड़ी, एक भरी है। तुम्हारी बहनों को कोई ऐसे उठा के लेके जाए, ठीक है, कोई 2 घंटे बाद घर छोड़ जाए, फिर तुम क्या सोचोगे? मैं वो आके तुम्हें कहती हैं कि मुझे हाथ फेरे हैं तो तुम क्या मानोगे? तुम्हारी बहनें झूठ बोल रही हैं? नहीं सर, मैं तो नहीं मानूंगा। मानोगे ना हाथ फेरे तुम्हारी बहनों को? मैं तो सर नहीं मानूंगा। तुम नहीं मानोगे तुम्हारी बहनों को हाथ फेरे? सर मेरी बात सुने, मैं ऐसा नहीं, ठीक है। जो तुमसे मैंने पूछा तुम उसका बात बताओ ना, तुम क्या कहोगे? तुम्हारी बहनें 2-3 घंटे गायब होती हैं, घर आके तुम्हें कहती है भाई हमारे साथ ये हुआ, तो तुम नहीं मानोगे? मानूंगा सर, क्यों नहीं मानूंगा मैं। मानोगे ना? तो यही काम तुमने किया है? नहीं सर, मैं पूरा मल्ले था, मल्ला तुम्हारे खिलाफ है, आबादी वाले सारे खिलाफ हैं कि ये शराबी है, ये जनाखोर है, ये गलीज तरीन बंदा है। सर मुझे उधर ले जाएं। तुमने फिरौन को भी पीछे छोड़ दिया है, बेशरम इंसान ऐसे बगैर है। तुम 5 साल की बच्ची, तुम्हें था इतनी, तुम्हें हवस आई हुई थी, तुम 500,000 देके किसी फाशा के पास चले जाते। नहीं सर, मैंने ऐसा काम कोई भी नहीं किया, मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है, कसम चुका लें इस बात की। बकवास करी जा रहे हो, स्टील बकवास करी जा रहा है ये बंदा, पूरा मोहल्ला इसके खिलाफ है। वो जो मोहल्ला मेरे खिलाफ है, पूरे उनके साथ मेरी झगड़ा हुआ हुआ है ना पहले, पूरे मोहल्ले के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है। वो जो 3-4 लड़के हैं उधर मोहल्ले के रहने वाले, जिन्होंने मेरे खिलाफ गवाही दी है, उनके साथ मेरा झगड़ा हुआ, वो अपनी खारबाजी निकाल रहे हैं। पूरा मोहल्ला इसके खिलाफ है, सारे दोस्त इसके खिलाफ है, कहने जानी है, शराबी है, बच्ची को 5 साल की बच्ची गवाही दे रही है कि उसे इसे हाथ फेरे हैं, गलत गलत जगह पे हाथ फेरे हैं। क्या होना चाहिए इसके साथ? गुस्सा आ रहा है इस बगारत की शक्ल देखकर, मुझे दिल नहीं कर रहा है इससे बात करने को, इतनी गंदी स्मेल आ रही है इसके पास से, इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि जिस तरह वो नालियों की स्मेल आती है। ऐसे तुम बेशर्म इंसान हो।